समाजवादी पार्टी के अभी जो सदर थे, बॉडी तो डिजॉल्व हो गई है, वो अभी आसपास नजर नहीं आ रहे हैं, तालमेल में कुछ कमी आ गई है। नहीं, ऐसा है कि हम लोगों ने पार्टी और रब्ता ऑफिस का इफ्तिताह किया, तो ना हमने कोई इनफरादी तौर पे किसी को दावत नामा दिया, हमने अखबार के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आवामी तौर पे सबको बुलाया था और सबके लिए खुश आमदीद था। अब वो शायद किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए होंगे। यूसुफ भाई की बात करें, वो हमारे लिए हमेशा से मोतबर थे, आज भी मोतबर है, वो जैसे ही फुर्सत पाएंगे ज़रूर आएंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। आज शान हिंद रब, आज हो गया, आज शान हिंद राबता ऑफिस का इफ्तिताह सर नौ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हुआ है। यहाँ जिस तरह अवामी माजी में अवामी काम हुआ करते थे, ऐसा है कि ये हमारी जो सोच थी कि खिदमत खल्क का बेहतरीन जरिया जो रास्ता है वो सियासत है, सियासत को खिदमत खल्क के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ पर मसाइल को हल करने की कोशिश किया करते थे। उसमें समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर निहाली सोच को और शहर में वसी करने के लिए एक नई शुरुआत की गई है। यहाँ पर तमाम मालेगांव शहर के तमाम मसाइल के अलावा स्पेशली जिसमें लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, एक पावर का मसला है जो घरेलू पावर सार्फिन से लेकर कमर्शियल पावर सार्फिन तक परेशान है, जब से बिजली कंपनी आ गई है उसमें परेशानी में शिद्दत बढ़ गई है। इसके लिए यहाँ रोज़ाना 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जाहिद नदवी साहब बैठेंगे जो अपने खदमात अंजाम देंगे। दूसरा, ये बुलंद इकबाल हेल्थ कमेटी की तरफ से ऐसे लोग जो माली तौर पर कमज़ोर हैं और कानून के कम मालूमात रखते हैं, उनको हॉस्पिटलों से ठगा जाता है, ये शिकायत बहुत ज़्यादा हमारे पास आया करती थी कि उनको रियायती जब पूरे इलाज फ्री में होते हैं उन पर भी कुछ ना कुछ पैसे लेकर हॉस्पिटल वाले उनको कमज़ोर समझ के, नामालूम समझ के ठगते थे। उसको रोकने के लिए जो शिकायत हमारे पास, उसको रोकने के लिए बुलंद इकबाल हेल्थ कमेटी की तरफ से यहाँ हम लोगों को बैठाएँगे जो रोज़ाना 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी खिदमात अंजाम देंगे। लोगों को बीमारियों के ताल्लुक से जो बीमारी की स्कीम में आती है वो भी और जो नहीं आती है उसमें भी मदद करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन काम जो यहाँ वोटर लिस्ट का काम होगा, पैन कार्ड का काम होगा, तमाम सरकारी दस्तावेज़ उसमें हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। वजह ये है कि NRC और CAA का मामला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मेरे शहर के लोगों से अपील है कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए अपनी तादाद बढ़ाएं। एक मौका है, एक अहम सबूत है हमारी शहरियत बताने का जो यहाँ पर हमारे यहाँ हो रहा है। बहुत बड़ा स्टाफ है, मैं ये मानती हूँ कि मालेगांव शहर में क्या इतराफ़ में भी कोई एक ऐसी ऑफिस नहीं होगी जहाँ इतने सारे मसाइल का हल मिलता होगा। हमको खुशी है इस बात की कि इस राबता ऑफिस समाजवादी पार्टी की ऑफिस से इतने सारे काम हो रहे हैं जो हम नहीं कहीं सुने हैं, जितना काम एक छत के नीचे यहाँ पर हो रहा है। दूसरा, बिलखसूस टेक्सटाइल जो मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी जो है वो है बुनकर और पावर लूम, इनके लिए कोशिश हम लोग करते आए और अब हमको जो है 2 GLA MLA मिले हैं जो मुसलसल टेक्सटाइल पॉलिसीज और पावर के ख़िलाफ़ अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब मुसलसल अहवान में आवाज़ उठा रहे हैं। हमको खुशी है कि हम मालेगांव शहर की इस ऑफिस से लेकर असम्बली के हॉल तक मालेगांव शहर के बुनकरों का और पावर सार्फिन की मदद के लिए कोशिश करते रहेंगे। आज ही की बात है जब सवाल अबू आसिम साहब ने बताया, मालेगांव शहर को मेंशन करके ये बताया कि यहाँ बिजली कंपनी किस तरह सार्फिन को ठग रही है, सार्फिन के साथ साथ गवर्नमेंट के भी पैसों को ठग रही है, तो मिनिस्टर को खड़े होकर ये बोलना पड़ा कि ये चीज़ हमारे इल्म में नहीं। इसका मतलब ये है कि मालेगांव शहर से नुमाइंदगी कमज़ोर थी, जो ऐवान में मिनिस्टर को अगर ये बोलना पड़ा रईस शेख की बात से, अबू आसिम आज़मी साहब की बात से कि हमको ये मालूम नहीं था, इसका मतलब कि अभी तक जो नुमाइंदगी ऐवान में असम्बली में मालेगांव शहर से हो रही थी वो कमज़ोर थी, इसलिए उनको आज बोलना पड़ा 4 सालों के बाद। तो बेहतर, हम लोग बेहतर तरीके से नए सिरे से काम कर रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी का मामला हो,
चाहे पावर सार्फिंग का मामला हो, चाहे हेल्थ का या मालेगांव शहर के आम लोगों का और कारपोरेशन से मुंसलिक तमाम मामलात में हम लोग रहनुमाई करने के लिए कोशिश करेंगे। और तमाम मालेगांव शहर के फिरका परस्ती अगर किसी पर होती है, जुल्म होता है, तो उसके खिलाफ हम निहाली ताकत निहाली अंदाज में जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखो, मुझे लगता है कि हम अहदे के कायल नहीं हैं और अहदे की बात जो है वो ऊपर वाले तय करेंगे। हमको लगता था कि सियासत जो है वो खिदमत खल्क का ज़रिया है। हम पहले भी माजी में खिदमत खल्क किया करते थे। जब हमने नए सिरे से नई पार्टी में मजबूरी थी हमारी जनता दल को छोड़ना बीजेपी के साथ पैक्ट होने के बाद, तो हमने हमारी हम ख्याल पार्टी जनता परिवार के हिस्से को चुना और हमने नई असर नौ खिदमत की पोस्ट मिलना अहदा मिलना ये ऊपर तय होगा। लेकिन खिदमत खल्क का रास्ता नहीं रुकना चाहिए, उसमें देरी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने हमारा काम शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के अभी जो सदर थे बॉडीज ऑफ डिसॉल्व हो गई है, वो अभी आस पास नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ तालमेल में कुछ कमी आ गई है। नहीं, ऐसा है कि हम लोगों ने पार्टी और राबता ऑफिस का इफ्तिताह किया, ना हमने कोई इनफरादी तौर पे किसी को दावतनामा दिया। हमने अखबार के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, आवामी तौर पे सबको बुलाया था और सबके लिए खुश आमदीद था। अब वो शायद किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए होंगे। यूसुफ भाई की बात करें, वो हमारे लिए हमेशा से मोतबर थे, आज भी मोतबर है। वो जैसे ही फुर्सत पाएंगे ज़रूर आएंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। हैसियत है, करने का इख्तियार है, ये पार्टी के जो अहदेदार बैठे हैं महाराष्ट्र के, उनको। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट दराज पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।